वेलकम बैक टू माय चैनल फोक्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज हूँ मैं रायपुर के सबसे प्राचीन मंदिर में, जिसका जो है हटकेश्वर महादेव। तो ऐसा माना जाता है कि महादेव घाट के एरिया में 50 से भी ज़्यादा मंदिर हैं। तो ये बहुत ही प्राचीन एरिया है। एक्चुअल में यहाँ की जो मंदिर की स्थापना है, ये सन 1402 में हुई थी, जब राजधानी को रायपुर में बसाया गया था। तो उस वक्त खारू नदी के किनारे इस मंदिर का निर्माण हुआ था, पर जो शिवलिंग है वो इससे भी बहुत ज़्यादा पहले की है। जो शिवलिंग की कहानी है वो ऐसा मानते हैं कि लक्ष्मण जी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था जो शिवलिंग है उनकी, जब राम भगवान अपने रावण गमन उस पर जब निकले थे अपने वनवास के दौरान, तो यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना होनी थी। तो जो हनुमान जी थे वो स्वयं शिव जी को यहाँ पे लेके आए थे, पर उनके यहाँ पे लाने में विलम्ब हो रहा था। इस वजह से लक्ष्मण जी ने उस गुस्से में इस मंदिर को यहीं पे, जो शिवलिंग थी उसी को यहाँ पे स्थापित कर दिया। एक्चुअल में जो शिवलिंग स्थापित होनी थी वो कहीं और होनी थी, पर देरी होने की वजह से जब वो ब्राह्मण लोग को लेने गए थे तो उस वजह से देरी होने लगी। इस वजह से लक्ष्मण जी ने क्योंकि शिवलिंग की उसकी स्थापना यहीं पर कर दी थी। तो ये है एक्चुअल में शिवलिंग की स्टोरी। पर जो मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो मंदिर है ये बना है 1402 में कलचुरी राजाओं के द्वारा, जब ब्रह्मदेव राय ने रायपुर में राजधानी बसाई थी। तो गाइस चलिए मैं आपको अब दर्शन करवाता हूँ काली माता के। जैसे ही हम हटकेश्वर महादेव का जो कि मंदिर परिसर है उसमें एंटर करेंगे, तो जस्ट राइट साइड में आपको काली माता जी का मंदिर मिलेगा। तो ये देखिए, ये है काली माता और इनका दर्शन यहाँ पे कर लीजिए। तो ऐसा माना जाता है कि शिव जी के दर्शन के पहले भैरवनाथ जी के दर्शन किया जाता है। जैसे कि बनारस में आप जानते हो कि काशी विश्वनाथ है, उनके लिए एक ये परंपरा है, एक मतलब नियम है कि आपको उनके पहले, विश्वनाथ जी के दर्शन के पहले आपको भैरवनाथ जी के दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ भी एक भैरवनाथ जी हैं, जैसे कि अभी हटकेश्वर महादेव जी के दर्शन होंगे। उससे पहले चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है भैरवनाथ जी। ये भी काफ़ी प्राचीन इनकी मूर्ति लग रही है यहाँ पे, दक्षिणमुखी भैरवनाथ जी। तो आप ये लग रहा है कि ये ऐसे स्थापित नहीं होंगे, या फिर किसी मंदिर के पार्ट में रहेंगे, या इनका एक अपना खुद का रहा होगा। फिलहाल में इनको यहाँ पे किया गया है। तो भैरवनाथ जी को माना जाता है कि वो चौकीदार होते हैं शहर के, और वो रक्षा करते हैं शहर की किसी भी जो कि गलत चीज़ें होने वाली रहती हैं। तो ये है भैरवनाथ जी यहाँ पे, और ये सारे संकट दूर करते हैं। तो गाइस अब चलिए, अब हम चलते हैं दर्शन करने हटकेश्वर महादेव जी के। ये सामने देखिए मंदिर है उनका, और हम यहाँ से अब निकलेंगे भैरवनाथ जी के दर्शन करके। तो ये जो मंदिर परिसर है ये है बहुत पुराना, आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि कितना पुराना मंदिर है। जस्ट मेरे सामने आपको दिख रहा होगा वहाँ पे अखंड ज्योति है, मैं भी आपको आगे वहाँ भी जाके दिखाऊंगा, उससे पहले हम यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। तो ये है जस्ट हटकेश्वर महादेव जी के मंदिर के पहले हनुमान जी का एक मंदिर है। यहाँ पे उनके परिसर में बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं, तो ये हनुमान जी का मंदिर था। अब हम चलते हैं आगे और हम बाहर चल के अब दर्शन करते हैं हटकेश्वर नाथ जी के। ये सामने देखिए पूरा वहाँ का जो मंदिर का जो कि परिसर है ये वो है, और सामने अब आपको नंदी जी दिख रहे होंगे जो कि जस्ट हटकेश्वर महादेव जी की शिवलिंग के सामने बैठे हैं। तो अब ये देखिए मैं अंदर जा रहा हूँ, लोग सुबह का समय है तो लोग आ रहे हैं पूजा करने के लिए, पर ये मंदिर काफ़ी पुराना है। अंदर आप देख सकते हैं कि लोग पूजा कर रहे हैं, पहले से मौजूद हैं यहाँ पे, और सामने उनकी शिवलिंग है जो हटकेश्वर महादेव जी हैं वो, और उनके पीछे आप देखिए दो मूर्तियाँ बनी हुई हैं। दोनों मूर्तियाँ हैं वो भी कलचुरी राजाओं के समय की ही लग रही हैं। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। ये है एक और नंदी बैल, बड़े वाले नंदी बैल जी के सामने, एक मंदिर के अंदर में छोटे नंदी बैल हैं, और ये देखिए पूरा मंदिर है, इसको काफ़ी रेनोवेट अप कर दिया गया है। पुराना जैसा आपको स्ट्रक्चर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग रहते आए हैं तो अपने हिसाब से हमेशा रेनोवेशन का होता रहा है। तो ये इनके दर्शन करते हैं हम आखिरी बार, अब हम चलते हैं बाहर। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं, ये है रास्ता बाहर जाने के लिए। जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस मंदिर परिसर में और भी देवी देवताओं के मंदिर हैं। तो ये है सामने जो मंगला गौरी माता हैं राजराजेश्वरी, उनका ये मंदिर है। तो ये है उनकी मूर्ति। यहाँ पे काफ़ी देवी देवता के छोटे बहुत बड़े मंदिर हैं, तो आपको यहाँ पे लगभग सभी भगवान मिल जाएंगे। तो ये थी गौरी माता, और अब देखिए मैं इधर जा रहा हूँ। ये फिर पुराने मंदिर का एक हिस्सा है, ये नया मंदिर था जो भी मैं आपको दिखाया था, ये एक पुराना मंदिर का हिस्सा है। और ये दोनों मूर्तियाँ देखिए काफ़ी पुरानी हैं, इनको सिंदूरी रंग में रंगा गया है, नीचे विश्राम करते हुए आई थिंक विष्णु जी हो सकते हैं शायद, बाकी ये दोनों मूर्तियाँ भी बहुत पहले की हैं, तो उनको आज भी रखा गया वहाँ पे।
फिर अब हम इधर आए हैं और ये है दुर्गा माता। उनके सामने आप देखिए काली पत्थर की बनी हुई एक और मूर्ति है। तो काफ़ी छोटी बड़ी मूर्तियाँ पुराने समय की यहाँ पे रखी हुई हैं और ये है पूरा मंदिर। अब देखिए फिर मैं बाहर निकल के आया हूँ, ये फिर एक और नया बना हुआ मंदिर है यहाँ पे जो गणेश जी का है। तो ये देखिए जी गणेश जी का मंदिर है यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे, जो भी मंदिर में जितने भी देवी देवताओं के मंदिर थे हमने दर्शन कर लिए हैं, बस अब एक राम दरबार बचा हुआ है जहाँ पे राम और सीता जी की मूर्ति है वहाँ पे चलेंगे। पर उसके पहले ये देखिए ये हटकेश्वर महादेव जी का शिखर, जो मंदिर का शिखर है वो है ये। तो अब चलिए अब हम आगे चलते हैं और ये अब देखिए ये है राम और सीता जी का मंदिर। तो फाइनली अब मैं मंदिर का जो कि पूरा एरिया था उसे बाहर आ गया हूँ। ये सामने में देखिए आपको लक्ष्मण झूला दिख रहा होगा और ये है खारून नदी। बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है आपको सुबह जहाँ के समय आएंगे तो आपको यहाँ मंदिर की तरफ से बहुत ही प्यारी जगह ये मिलेगी। ये मंदिर के परिसर में और भी पेड़ पौधे लगे हैं, पर ये सामने देखिए नदी है और ये पूरा लक्ष्मण झूला है जो कि इस एंड से उस एंड को कनेक्ट करता है और ये पूरा मंदिर परिसर। अब ये देखिए ये है शनिदेव भी हैं यहाँ पे, तो सैटरडे का समय में आप शनिदेव के भी यहाँ पे आके तेल चढ़ा सकते हैं। बाकी ये देखिए ये है पूरा मंदिर का परिसर। ये तो ये है हजारों वर्ष पुरानी जो कि आज भी अखंड ज्योति है। पंडित की स्थापना कौन, कुछ मतलब जानकारी की इनकी कुछ जानकारी? अच्छा ये मतलब हजारों वर्ष से जल रहा है। कुछ भी नहीं था, पूरा जंगल था, घनघोर जंगल था उस समय से। अच्छा पश्चिमी लोग ने जला के रखे हैं ना, बना के जी से चल रहा है। अच्छा इसी में एक रुद्रेश्वर महादेव जी हैं, उनके दर्शन करते हैं। लोग नॉर्मली महादेव घाट आते हैं पर यहाँ पे हटकेश्वर महादेव जी के दर्शन करके चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता कि आसपास में और भी शिव जी के काफी प्राचीन मंदिर है। तो चलिए आपको मैं आज एक नया मंदिर दिखाता हूँ रुद्रेश्वर महादेव का, जो भैरवनाथ जी के बगल में ही है। चलिए तो ये है भैरवनाथ जी, ये उनके बगल में रास्ता गया, या सामने देख सकते हैं रुद्रेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वो सामने हटकेश्वर महादेव है। तो आपको सीधे आना पड़ेगा उनके मंदिर से यहाँ रुद्रेश्वर महादेव जी के मंदिर के लिए। और इन मंदिर को भी देखिए काफी प्राचीन स्ट्रक्चर है इनके भी। नागा बाबा नवरात्रि जी इनके समाधि स्थल है शायद ये। ये भी काफी प्राचीन मंदिर लग रहा है। रुद्रेश्वर महादेव जी का दर्शन करते हैं।